जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान कस्बे के राजकीय स्कूल के छात्राओं से बदसलूकी करने और गलत वारदात को अंजाम देने का एक बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। पुलिस ने स्कूल के शिक्षक पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इसको लेकर छात्रा की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है, जिसके दौरान मामला दर्ज कर लिया गया है और स्कूल के दर्जन भर से भी ज़्यादा छात्राओं से उसने गलत वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने के गंभीर आरोप उस टीचर पर लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि यह पूरा मामला फतेहाबाद हरियाणा से निकल कर आ रहा है, जहां पर शनिवार को छात्रा की मां ने आगे आकर बताया कि 16 वर्षीय बेटी राज के स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ती है और कल उसकी बेटी काफ़ी डरी से में घर पर पहुंची है और स्कूल जाने से मना कर रही थी। युवती ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि स्कूल का एक अध्यापक पिछले 15-20 दिन से ही गलत वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, जिसके दौरान युवती ने अब बताया कि टीचर उसे साइंस लैब की तरफ लेकर गया है, जहां पर चॉकलेट देने के बहाने गलत ढंग से छू रहा है और गलत हरकत करने की कोशिश की है। इसके दौरान वह वहां से जैसे तैसे निकल कर आई है और छात्रा से टीचर कहते हैं कि वह उससे प्रेम करते हैं और इसके बाद वह बताया जा रहा है कि अगले दिन स्कूल नहीं गई है। अब मामले की जाँच पड़ताल के दौरान पुलिस पूरी तरह से पड़ताल कर रही है। तो दोस्तों बड़ी खबर थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।